आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है और कल यानी कि 24 अप्रैल 2023 से बिहार आईटीआई की क्लास स्टार्ट होगा। और मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि जो भी आपके बिहार आईटीआई एग्जाम 2023 से संबंधित डाउट है, प्रश्न है, आप कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट का आंसर दूंगा। ठीक है, हालांकि बहुत ही कम कमेंट आए हैं, लेकिन जितने भी कमेंट आए हैं मैं उसका आंसर देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही मैं आज का टारगेट भी आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार कल के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन में डालूंगा, उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी क्लाइंट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। तो फ्रेंड, यहां से देखिए मैंने सारे कमेंट को ओपन कर रखा है। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे कमेंट का आंसर देता हूं। पहला जो कमेंट है जो कि है कृष्णा कुमार का, पूछा गया है कि सर ICTSM जो कि एक ITI ट्रेड है, इस ट्रेड वाले रेलवे टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो देखिए, आपका अच्छा कमेंट है, लेकिन मैं इसका आंसर दे दूं। देखिए, जो रेलवे में ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिरकार इसमें योग्यता क्या रखा जाता है। तो देखिए, ALP की जो वैकेंसी आती है लोको पायलट ड्राइवर वाला, उसमें ITI कैंडिडेट जो कर चुके हैं उन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रख होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रेड वाले आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, और बहुत सारे ट्रेड हैं जो कि आवेदन कर सकते हैं। बात आती है कि आप पूछे हैं टेक्नीशियन के बारे में, तो टेक्नीशियन के लिए ITI जरूरी नहीं होता है। टेक्नीशियन के लिए सिंपली अगर आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास है साइंस स्ट्रीम के साथ, तो बिल्कुल आप टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो कमेंट है जो कि किसी कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया है, सर एक बार रिविजन करा कर दीजिए क्वेश्चन का। तो इनका कहना है कि सर एक बार क्वेश्चन का रिवीजन करा दीजिए बिहार ITI के लिए। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। मैं आपको कल से यानी कि 24 अप्रैल 2023 से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। एक महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, आपको सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कमेंट है जो कि पूछा गया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मिनिमम कितना क्वेश्चन बनाना होगा BC1 वाले कैंडिडेट के लिए, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो देखिए, इनका कहना है कि अगर हमको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेना होगा बिहार ITI में सरकारी कॉलेज, तो हमको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कितना क्वेश्चन बनाना होगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका ITI का रिजल्ट जारी होता है और रैंक के अनुसार आपको ट्रेड भी दिया जाता है कि कौन सा आपका रैंक है। यानी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खासा रैंक है तो फिर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना क्वेश्चन बनाएंगे तो मिलेगा। हालांकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग बहुत ही जल्द वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कमेंट को देखते हैं जो कि पूछा गया है, आपका एक्सपीरियंस कितने ईयर का है। तो देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कितने ईयर का है पढ़ाने का या फिर ITI का, तो देखिए मैं बता दूं कि मैं ITI पास कर चुका हूं सरकारी ITI से ही। जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करें, इसी तरह मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था, मैं ITI कर चुका हूं सरकारी ITI से। और जो मेरा ट्रेड था वो डीजल मैकेनिक था, और मैंने डीजल मैकेनिक इसलिए ट्रेड लिया था क्योंकि मुझे एक वर्ष में ही कोर्स करना था। और आपको याद होना चाहिए कि जो बिहार ITI का वेल्डर ट्रेड है और डीजल मैकेनिक ट्रेड है, ये एक वर्ष का है, बाकी सब दो दो वर्ष का कोर्स है। ठीक, इसीलिए मैंने डीजल मैकेनिक ट्रेड लिया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझिए। और बात रही एक्सपीरियंस का, तो मैं देखिए काफ़ी दिन से यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ, लगभग 4 से 5 वर्ष हो गए हैं। बहुत सारे कैंड मेरे यहाँ से पढ़कर ITI पास हो चुके हैं, उस पर बिल्कुल आप बिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है जो कि है रामराज का, सर मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन सा है ITI के लिए। तो मैं आपको बहुत ही जल्द इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर दूंगा, कौन सी बेस्ट बुक है, कैसे आपको पढ़ना होगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगला देखिए मेंशन किया गया, सर BSc नर्सिंग का फॉर्म कब आएगा। तो बिहार ITI संबंधित क्वेश्चन नहीं है, हालांकि इसका जो फॉर्म आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो देखिए, मेरे पास सिर्फ 6 ही कमेंट आए थे बिहार ITI के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको सारे कमेंट का आंसर दे दिया है। और मैं बता दूं कि 24 अप्रैल यानी कल को जो बिहार ITI का क्लास होगा कौन सा होगा, तो देखिए मैं सबसे पहले प्राचीन इतिहास से क्लास स्टार्ट करूंगा और हम लोग कल देखेंगे हड़प्पा सभ्यता या फिर कह सकते हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये लिख कर आपको नोट भेजूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, मैथ में कौन सा आपको रिवीजन कर लेना है। हालांकि जो क्लास होगा वो GK GS का ही होगा, लेकिन मैं आपको इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं लिख कर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया।
फिर भी आपको कोई क्वेश्चन डाउट रह जाते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।